गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कृष्णा की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ अपनी बच्चों की फरमाइश पे आलू के पकौड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आलू के पकौड़े बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया एक बर्तन, उसमें लिया है पानी और एक मीडियम साइज़ का लिया है मैंने आलू, जिसे मैं छील लेती हूँ। आपके पास आलू छीलने की मशीन हो तो आप उससे भी छील सकते हैं। मैं चाकू से छील रही हूँ। मेरे बच्चों ने आज फरमाइश की थी तो मैं उनके लिए आलू के पकौड़े बना रही हूँ और आपके लिए वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। और आलू को छील के डायरेक्ट हमको पानी में डालना है जिससे कि वो काले ना पड़े। मैंने दो आलू लिए हैं। एक आलू की मैं चिप्स बनाऊंगी, चिप्स वाले मंगोड़े, और एक की बनाऊंगी मैं फिंगर वाले मंगोड़े। चिप्स वाले मंगोड़े बनाने के लिए मैंने देखी चिप्स काटी हैं। चिप्स आपको इतनी पतली काटनी है जिससे कि आपका चाकू दिखे, इससे ज़्यादा मोटी ना काटें और ना ही ज़्यादा पतली काटें। और ये दूसरा वाला आलू जो लिया है मैंने, ये फिंगर चिप्स उसके लिए मंगोड़ी के लिए, तो फिंगर के लिए मैं इस तरह काट रही हूँ जैसे सब्ज़ी के लिए काटते हैं। ये देखिए, ये मैंने फिंगर वाले मंगोड़ों के लिए बनाया है और ये चिप्स बनाई है मैंने चिप्स वाले मंगोड़ों के लिए। आप जैसा बनाना चाहें आप वैसा बना सकते हैं। अब सबसे पहले लिया है मैंने घोल बनाने के लिए एक बर्तन, उसमें लिया है बेसन। और बेसन में मैं डाल लूँगी अब हरा धनिया, बिल्कुल मैंने फ्रेश काट के धो के अच्छे से और तब काट रही हूँ। अब डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी लाल मिर्ची, हल्की सी, बच्चों के लिए बना रही हूँ तो आप अपने टेस्ट के अनुसार देख सकते हैं। अब डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, और हल्की सी डाल रही हूँ एक चुटकी हींग, और एक चुटकी डाल रही हूँ मैं खाना सोडा। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके आप इसका घोल तैयार कर लीजिए। एक साथ पानी ना डालें, एक साथ पानी डालने से ये गीला भी हो सकता है और गीला पेस्ट आलू पे रुकेगा नहीं, वो नीचे ही गिर जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल हमें ऐसा ही घोल चाहिए, गाढ़ा गाढ़ा, इससे पतला होगा तो वो आलू पे रुकेगा नहीं। ये देखिए, मैंने आलू भी ले लिए और कढ़ाई भी गर्म करने रख दिए। तो एक चिप्स उठा रही हूँ मैं और ऐसे हाथों को साधते हुए और ऐसे आपको डालने हैं। सभी फिंगर आप ऐसे ही डाल लीजिए। ये देखिए फ्रेंड, मैं आपको पलटते हुए नहीं दिखा पाई थी, उसके लिए सॉरी। ये देखिए, मैंने पलट दिए थे बीच में। आप ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई कर लीजिए और देखते ही देखते ये देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, गर्म है, बच्चे जिद कर रहे हैं, मगर देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। अब आपको ऐसे ही चिप्स वाले मंगोड़े भी बनाने हैं। एक चिप्स उठाना है और अच्छे से उसे बेसन के घोल में लपेटना है और धीरे से ऑयल में छोड़ना है। ऐसे ही आप सभी चिप्स छोड़ लीजिए। आपको याद दिला दूं, आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मंगोड़ों को पलट दीजिए। मैं उसमें नहीं दिखा पाई थी मगर यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं आपको। ऐसे ही आपको अलट पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड, कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, बाती बातों में पता ही नहीं चल रहा कब फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए, ये फ्राई हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं आलू के मंगोड़े, ये देखिए, और देखने में भी कितने अच्छे हैं और खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। और मैं आपको दिखा दूँ, देखिए बच्चे खड़े हैं लाइन में। हाँ, अरे भैया रुको 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 रुको, ये लो, मुझे देने भी नहीं दिया, अपने आप ले गए प्लेट को। आ जा खा लो, बच्चों को इतने यम्मी लगते हैं ये पड़ा प्लेट। बाबू तुम्हारे पास एक ही रह गया, सबको ले गए, और बनाएंगे तेरे लिए। और खाओगे? एक ही रह गया तुम्हारे लिए, कोई बात नहीं, अभी और बनाएंगे, ठीक है? जाओ जब तक इसको खाओ, मैं और बना रही हूँ। ये लो, ये लो, हो गया ज्यादा।
ज्यादा हो गए ताते हैं? पंखा की हवा में रख लो, ठंडे हो जाएंगे। तो फ्रेंड आपको कैसी लगी वीडियो मंगोड़े बनाने की? मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छी लगी मंगोड़े। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।